दोस्तों फिटनेस का मौसम आ चुका है वापस से, क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं कल्ट स्पोर्ट के न्यू स्मार्ट वॉच कलेक्शन के बारे में। देखो भाई, कल्ट स्पोर्ट वो ब्रांड है जो डेडिकेटेड है आपको फिट और तंदुरुस्त बनाने के लिए। आपको मालूम होगा लास्ट टाइम हम लोग ने इनका कल्ट स्पोर्ट ट्रेडमिल यूज किया था, जिसने बोले वीडियो नहीं देखे भाई बोले वीडियो देखो, क्या स्मार्ट ट्रेडमिल बनाया था इन्होंने भाई, मेरी फिटनेस को ठीक कर दिया इन्होंने। छोटी सी स्टोरी, मेरे स्टूडियो में ट्रेडमिल रखा हुआ था, मैं वर्कआउट करने लग गया और मुझे आदत पड़ गई, और उसके बाद इन्होंने भेज दिया मुझे स्मार्ट वॉच। के अंदर में वही सारी स्मार्टनेस है जो कि आपको इनके स्मार्ट ट्रेडमिल मिला था। सो पहला स्मार्ट वॉच है अपना कल्ट स्पोर्ट बीट्स और दूसरा है कल्ट स्पोर्ट बर्न। नाम भी काफी जिम वाला फील हो रहा है दोस्तों। वैसे अनबॉक्सिंग हमने कर रखी थी क्योंकि इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही थी जिम में, इसको पहन के मैं वर्कआउट कर रहा हूं, क्योंकि देखना पड़ता है कितना ज्यादा कैलोरी बर्न दिखा रहा है, कितना ज्यादा कैलोरी बीट हो रही है, बीट एंड बर्न। So, ये एक कल्ट स्पोर्ट बीट्स, इसके अंदर 128 MB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिससे आप म्यूजिक का आनंद लेते लेते वर्कआउट कर पाओगे। पूरी बिल्ड इसकी मेटालिक फ्रेम की बनी हुई है, पीछे साइड आपको यहाँ पे प्लास्टिक मिलता है, 4 एक्स्ट्रा पिन है, इसी पिन की वजह से आपको ट्रांसफर कर पाओगे म्यूजिक इसके अंदर। और जो पूरा स्ट्रैप है काफी अच्छा सा लग रहा है, और पूरा वॉच एकदम मिनिमल सा अच्छा प्रीमियम सा फील आ रहा है, और यहाँ पे कल्ट स्पोर्ट की मस्त ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको। और एक बार इनका होल्डिंग टेस्ट करते हैं, आराम से होल्ड कर पा रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पत्रिका मिल जाएगी इसके अंदर, स्क्रीन प्रोटेक्टर इन्होंने दे रखा है पहले ही से, बहुत सारे स्मार्ट वॉच में नहीं मिलती है चीज। और स्मार्ट वॉच एक साल की वारंटी के साथ आता है, और यहाँ पे 3 महीने का कल्ट पास होम मिल रहा है, मतलब आप लाइव एक्सरसाइज कर सकते हो एक्सपर्ट्स के साथ वो फ्री में। और अभी खोल लेते हैं अपना बर्न। भाई ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाली है। स्मार्ट वॉच का बॉक्स काफी सिमिलर है, ये रहा अपना स्मार्ट वॉच, और ये वाला हमारे पास ब्लू कलर में अवेलेबल है। थोड़ा सा ज्यादा हेवी फील होता है आपको जब आप यूज करोगे इसको, ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा अच्छी आपको फिनिशिंग मिलती है, और थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील देगा आपको। स्ट्रैप काफी सॉफ्ट है, इसका जो बकल है भी मेटालिक है, और अच्छा महंगा वॉच लगता है देखने में, थोड़ा ज्यादा इसका हैंड फील अच्छा है, और वॉच देखने में भी काफी अच्छी लग रही है। एमोलेड डिस्प्ले, ब्राइटनेस आपको 500 निट्स की है, और इसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा क्विक है, स्मूथ है ये, और एमोलेड पैनल होता है तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं होगा, आप इसको आराम से आउटडोर में लेके जा सकते हो। और इसके अलावा आपको पोगो पिन वाला चार्जर मिलता है, पोगो पिन वाला चार्जर आपको नॉर्मली बहुत देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी ये वाला चार्ज दिया जा सकता था तो ज्यादा मजा आ जाता। सेम कॉन्टेंट देखने को मिलने वाला, स्क्रीन प्रोटेक्टर, यूजर मैनुअल, और 3 मंथ ऑफ एक्स्ट्रा कल्ट पास होम, जिससे आप करोगे होम पे एक्सरसाइज। टेस्टिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले प्रोटेक्शन अप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, अल्कोहल वाइप्स, गीला कपड़ा से सुखाइए, उसके बाद स्वाद अनुसार सूखा कपड़ा, और बहुत ही साइंस अपना स्क्रीन प्रोटेक्टर तो अप्लाई हो चुका है। अब बात करते हैं दोनों ही वॉच के फीचर्स के बारे में। सो बीट एंड बर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक के अंदर आपको प्रीमियम डिजाइन एंड डिस्प्ले मिलती है, दूसरे के अंदर म्यूजिक स्टोरेज मिलता है, और थोड़ी सी प्राइस भी इकोनॉमिकल है। बर्न को जितना मैंने यूज किया डेफिनेटली काफी कंफर्टेबल वॉच है, और इसका वेट 49 ग्राम के अराउंड मिलता है, और बीट का वेट भी आसपास है 52 ग्राम मिलता है। अपनी दोनों ही वॉच देखने में तो काफी प्रीमियम है। बीट की डिस्प्ले 1.85 की, ये एक TFT पैनल है जो बजट वॉचेस में देखने को मिलता है, और इसके अंदर 600 निट्स की ब्राइटनेस, तो अगर मैं उसका ब्राइटनेस कर देता हूँ फुल, तो इसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी आउटडोर में। इवन कि अगर मैं साइड से देख रहा हूँ तो भी पूरा विजिबल है ये। और अगर बात करते हैं अपने बर्न के बारे में, ये वॉच तो आपको देख के प्रीमियम फील हो रहा होगा, ये आपको एक एमोलेड डिस्प्ले पैनल है, और अच्छी बात यहाँ पे आपको क्राउन बटन मिलता है, तो आप इसको पूरा प्रॉपर यूज कर सकते हो। देखो स्लिप ट्रैकिंग कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मैं नीचे ऊपर जा सकता हूँ, और ये क्राउन बटन पूरा पूरा रिस्पॉन्सिव है, और मेटल बिल्ड का भी है। तो दोनों ही वॉचेस के डिस्प्ले तो काफी अच्छी है, दोनों ही वॉच का आपको मेटल बिल्ड मिलता है। बीट को मैंने ज्यादा यूज किया, और कल रात में 4 घंटे 37 मिनट सोया हूँ, और एक्चुअल में बहुत एक्यूरेट डेटा है इसके अंदर। इतने दिन यूज करने के बाद डेफिनेटली पता चल रहा है कि इसका कंफर्ट लेवल बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। और आज का वर्कआउट सेशन आप देख सकते हो, अराउंड 3400 स्टेप्स चला हूं मैं, 11 बजे के अराउंड जितना वर्कआउट टाइम था उसमें पूरा ऐसे बिल्डिंग बनी हुई है। और मेन्यू के अंदर आप यहां से सारा रिपोर्ट देख सकते हो, अराउंड 1 घंटे का वर्कआउट था, 400 कैलोरी बर्न हुआ, एवरेज हार्ट रेट था, आज वेट देता है, इसीलिए डेफिनेटली भाई बहुत एक्यूरेट लगा है मुझे, और मैं डेली फिटनेस के लिए इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। इवन बर्न के बारे में बात करें, इसके अंदर भी स्लिप ट्रैकिंग की हम लोग ने, और यहाँ पे 5 घंटा 17 मिनट आ रहा है, ये वाला मैंने अपने भैया को पहना दिया था, और यहाँ पे आपको सारा डेटा देखने को मिलेगा, लाइट स्लिप कितना था, रेस्टफुल स्लिप कितना था, मतलब डीप स्लिप, इन दोनों के अंदर काफी अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। अभी इसका टेबल टेस्टिंग कर लेते हैं, हार्ट रेट ऑन कर लेते हैं इसका, बोला भाई पहना नहीं है तुमने, एक बार हवा का हार्ट रेट चेक करते हैं, भाई फॉर पकड़ लेता है। अब जैसे ही मैं इसको अपने कलाइयों पर रखूंगा, इसने हार्ट रेट स्टार्ट कर दिया लेना, कोई भी एरर नहीं आया है। और यही सेम चीज आपको अपने बीट से मिलती है, क्योंकि भाई ये भी फौरन नाप लेता है कि भाई हाथ में पहना हुआ है या फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके वाटर प्रूफिंग के बारे में। दोनों ही वॉचेस आपको IP67 मिलने वाला है, तो इंटेंस वाटर प्रूफिंग नहीं मिलेगी आपको दोनों ही वॉचेस में। यहाँ पे एक फीचर मिलता है वाटर ड्रेनिंग का, देखो पानी निकल जाएगा। स्विमिंग करने से पहले उतार जोर देना, लेकिन अगर भूल भी गए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं टेस्ट कर लिया है, बट यू डोंट ट्राई एट होम। और आपको जाओ दिखाऊं, ये सॉन्ग इसी वॉच में बज रहा है,
यहाँ पे इसका म्यूजिक मोड है और यहाँ से लोकल म्यूजिक का ऑप्शन। अपना कोई भी वायरलेस बर्ड्स या फिर एयरबैंड आप यहाँ से आके कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ के अंदर। यहाँ पे मेरा वन प्लस बर्ड Z2 है, आप इसको भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ से कनेक्ट किया मैंने और यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और अब ये गाना मेरे बर्ड्स में बज रहा है। इसको प्ले करने के बाद अपना वॉच पहन लेते हैं और चलते हैं वर्कआउट करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे कल्ट स्पोर्ट का ट्रेडमिल भी है, सब चीज कल्ट स्पोर्ट ने भेज रखी है, बट गाना तो मैं अपने वॉच में सुनूंगा भाई। थोड़ा कार्डियो कर लिया जाए दोस्तों, चलो। वॉच के अंदर कुछ ऐसा डेटा आया है, आपको हार्ट रेट 140 के राउंड आ रहा है, स्टेप्स आपको 200 आ रहे हैं और स्लाइड करके यहाँ से आप स्टॉप कर सकते हो वर्कआउट। वॉच काफी सही लग रही है मुझको वर्कआउट करने के लिए और काफी एक्यूरेट भी है। और जब आप दोनों ही वॉच पे इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करोगे, कॉलिंग करोगे, यूज करोगे वॉच को, तो डेफिनेटली इसके बैटरी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। और दोनों ही के अंदर आपको 7 डेज की बैटरी लाइफ मिलने वाली है और अगर आप कॉलिंग रेगुलर यूज करोगे 2 दिन की बैटरी लाइफ मिलेगी। कॉलिंग वॉचेज में बैटरी लाइफ थोड़ी सी कमी मिलती है, कॉलिंग वॉचेज के हिसाब से डेफिनेटली अच्छी बैटरी है और बजट प्राइस में एक अच्छी बैटरी में कहूंगा इसको। और दोनों ही वॉचेज आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप मेन्यू में जाओगे तो आप देख सकते हो म्यूजिक है, स्टॉप वॉच है, कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, वेदर अपडेट ले सकते हो, मीटर मोड ऑन कर सकते हो। लेकिन सारे फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए आपको कल्ट स्पोर्ट वॉच एप्लीकेशन चाहिए होगा। ये एंड्रॉइड एंड आईफोन दोनों में अवेलेबल है, इसको ऑन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप इतने क्विकली इसका वॉच फेस चेंज कर सकते हो, बी बेटर एवरीडे और कलरफुल। दोनों ही वॉचेस में आपको 150 प्लस वॉच फेसेस मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे काफी सारे हैं। एक बार हम लोग क्रिसमस वाला वॉच फेस लगाते हैं और वॉच के अंदर अपडेट आना शुरू हो चुका है। बीट की वॉच फेस अपडेट हो चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पे बर्न की भी वॉच फेस अपडेट हो चुकी है। काफी तगड़े लग रहे हैं दोनों। और दोनों ही वॉचेस आपको ब्लूटूथ कॉलिंग भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे साइड में इसका माइक्रोफोन है और इस साइड है स्पीकर और कॉलिंग कंट्रोल आपको एप्लीकेशन से होता है। यहाँ पे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स है, इसमें आओ और अपने महिला मित्र, भाई, मम्मी, पापा सबके कॉन्टैक्ट्स ऐड कर दो। और उसके बाद यहाँ से आप कॉलिंग को ऑन करना भूलना मत। बेसिकली कॉलिंग वॉचेज में बैटरी काफी जाती है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। अगर आप यूज नहीं कर रहे ऑफ कर दो, बैटरी बचेगी। कॉलिंग में आएंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट, और ये मैंने सिंक किया था अभी, देखो कॉल लगा लेता हूँ। भाई कैसे आवाज आ रही है? हेलो, मतलब हल्का नेचुरल टोन पे रोबोटिक है, कैसा आ रहा है? एकदम क्लियर सुनाई दे रहा है। ओके, अभी मैं 50% वॉल्यूम पे सुनता हूँ। अब भाई बता कैसे आवाज आ रही है? सभी जो बात सुन रहे हो ये है कल्ट स्पोर्ट बर्न से। दोनों ही वॉचेस के अंदर कॉलिंग मिलता है और कॉलिंग क्वालिटी आपको एग्जैक्टली सिमिलर मिलने वाली है और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस उनको मिलने वाला है। यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो, साउंड को एडजस्ट कर सकते हो और कॉल काट सकते हो। और दोनों के वॉच इंटरफेस भी काफी हद तक सिमिलर है, जैसे कि सेटिंग से आप आके लो पावर मोड ऑन कर सकते हो, इससे आपकी बैटरी काफी बचेगी। इनके से अगर वॉच लो बैटरी शो कर रहा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक फीचर देख सकते हो जो कि आपको बर्न के साथ मिलने वाला है। ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, इसीलिए तो डिजिटल कुछ ऐसा दिखने वाला है आपको और एनालॉग कुछ ऐसा दिखेगा इसके अंदर कल्ट स्पोर्ट का लोगो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइंड माय फोन का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऑन करो, उसके बाद टैप करो, भाई घंटी बजने लग चुकी है। और रोकने के लिए ऐसे टैप नहीं करना है आपको बार बार, काफी तगड़ा है भाई, फट से सिंक कर लेता है। यहाँ से बटन दबाओ, शांति। तो अगर फाइनल बात करें दोनों ही वॉच के बारे में, सबसे अच्छी बात दोनों ही वॉच बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाई है कल्ट स्पोर्ट ने, जिसकी वजह से आपकी फिटनेस वाली लाइफ में थोड़ा सा और एक अपग्रेड आएगा। काफी सारे स्मार्ट फीचर्स हैं इसके साथ जो स्मार्ट वॉच से मिलते हैं। और अगर प्राइस के बारे में बात करें, कल्ट स्पोर्ट बर्न जो है ये आपको एमोलेड डिस्प्ले वाला है 3299 रुपीज में मिल जाएगा आपको। और कल्ट स्पोर्ट बीट जो आपको म्यूजिक स्टोरेज का आता है ये आपको 2199 रुपीज का मिलने वाला है। तो दोनों की जो प्राइसिंग है काफी बजट सेंट्रिक है और कॉलिंग फीचर प्लस एक्यूरेट वर्कआउट के साथ तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बाय रहेगा आप लोग के लिए। अगर आपको डेली मस्ट जिम में पसीने बहाने हैं और डेटा निकालना है, आप इसके अंदर सॉन्ग डाल के लिटरली सॉन्ग सुन सकते हो डायरेक्टली इससे, तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा फीचर है। दोनों ही वॉच का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी टैग कर देंगे, आप उस पर क्लिक करके खरीद सकते हो। और इस वीडियो को लेते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।